दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा बंदा है जिसने अपने 90 साल के पारिवारिक कारोबार को दुनिया भर में फैलाया और आज वो ओवरसीज से 80% रेवेन्यू कमा रहा है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बाला शारदा, जिनका जन्म दार्जिलिंग में हुआ था, जिनकी फैमिली 1931 से चाय बेचना और चाय के निर्यात का काम करते हैं और इनके इस बिज़नेस को 90 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है। बाला शारदा ने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद अपने टी गार्डन्स को विज़िट किया, जहाँ उनको उनके चाय में क्षमता दिखाई दी। इस अवसर पर कार्रवाई करते हुए बाला शारदा ने 2015 में वहदम चाय की स्थापना की, जो कि उनके फादर के नाम माधव का रिवर्स था। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। इन्होंने दुनिया की बेहतरीन चाय को बेचना शुरू किया और बाकी कंट्रीज़ ने इंडियन टेस्ट को वेलकम किया। इनको यूके, कनाडा और जर्मनी जैसी कंट्रीज से सपोर्ट मिला। वहदम कंपनी का एम था कि वो इंडियन टी ब्रांड को फॉरेन मार्केट में लिस्ट करवाए और उनके बॉक्सेस में लिखा रहेगा पैक्ड इन इंडिया, जिससे कि ये पता चले कि ये इंडिया से हैं। बट US कस्टमर्स से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने GMO वेरिफिकेशन और USDA सर्टिफिकेशन के बाद इसको फिर से US में लॉन्च करवाया और आज ये US की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे थाउजेंड ब्रिक्स, मोर्टर शॉप्स में अवेलेबल है और साथ साथ कुछ इंडियन ब्रांड्स ने मिलकर इसको रिटेल चेन्स में भी लिस्ट करवाया है, जिसमें नॉर्डस्ट्रॉम्स, नीमन मार्कस, ब्लूमिंगडेल्स एक्सेट्रा आते हैं। और इसके बाद आज अगर हम देखेंगे तो इसके 1.5 मिलियन यूज़र्स सिर्फ अकेले US में पाए जाते हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में 110 करोड़ का फंड रेज किया है और 2020 में भी इन्होंने 145 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इतने हार्डवर्क के बाद आज 50% रेवेन्यू USA, 20% रेवेन्यू कैनेडा और 30% रेवेन्यू यूरोप से आता है और बाकी डिफरेंट पार्ट्स से। तो आपको इनके अचीवमेंट को जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, और अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब।